प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चतुर बकरी। गांव के नजदीक एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। अब गांव की सारी बकरियां उस घने जंगल में घास चरने जाया करती थी, लेकिन गांव वाले डरते थे कहीं यहाँ के जंगली जानवर उनकी बकरियों को खा ना जाए। लेकिन फिर भी बकरियां घास चरते चरते जंगल की ओर चली जाती। अब इस बार भी ऐसा ही हुआ। सभी बकरियों का झुंड घास चरते चरते कब जंगल की ओर निकल गया उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। वह आगे की ओर बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही शाम हुई वह बकरियां गांव की ओर सभी वापस होने लगी। अब जब सारा झुंड बकरियों का गांव की तरफ बढ़ा, उनमें से एक बकरी रास्ता भटक गई। अब वह जंगल की ओर ही चली गई और जंगल में जाते जाते तो वह अपने घर का और रास्ता भूल गई और अंधेरा होने लगा था। अब बकरी वापस जाने के लिए गांव की ओर ना जा पाई और वह जंगल की ओर ही मुड़ गई। नदी के किनारे चलते चलते उस बकरी ने एक गुफा देखी। अब उसे कहीं तो रात गुजारनी ही थी। बेचारी भोली सी बकरी उस गुफा की ओर चली गई और सोचने लगी कि शायद इस गुफा में छुपकर बैठ जाऊंगी तो कोई भी जंगली जानवर मुझे नहीं खा पाएगा और सुबह होते ही मैं गांव की ओर चली जाऊंगी। अब वह बकरी चुपचाप जाकर गुफा में बैठ गई। अब जंगल के सभी जंगली जानवर उस नदी में पानी पीने आया करते थे। अब शाम होते ही जैसे ही जंगल के जानवर उस नदी की तरफ आए तो उनमें से एक भेड़िया उस तरफ आया। अब भेड़िया पानी पीकर जैसे ही वापस जाने वाला था, उसने देखा, अरे इस गुफा में तो एक बकरी बैठी है। आज मुझे भोजन मिल गया। रात होने से पहले इस बकरी को खा कर सोऊंगा। अब वह पानी पीकर उस बकरी की ओर गुफा की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बकरी के पास आया और बकरी को डराने के लिए तेज तेज आवाज करने लगा, उसे लगा यह बकरी दुबक जाएगी और मैं इसे पकड़कर ले जाऊंगा। जैसे ही बकरी ने भेड़िए को देखा, बकरी डरी नहीं और भेड़िए से बोली, अरे भेड़िए, तू मुझे डरा रहा है? तुझे नहीं मालूम यह गुफा किसकी है? भेड़िया एकदम चुप कर गया। बकरी फिर बोली, यह गुफा एक शेर की है और मैं उसका शिकार हूँ और वह शेर नहाने के लिए गया है। जब वह वापिस आएगा और मुझे यहाँ नहीं पाएगा तो वह तुझे खा जाएगा। अब भेड़िया डर गया जब उसे यह मालूम पड़ा कि बकरी तो शेर का शिकार है। अब इसका शिकार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। भेड़िया उस बकरी को वहीं छोड़कर आगे चला गया। अब वैसे ही नदी में पानी पीने के लिए और भी जंगली जानवर आ रहे थे। उनमें से एक बाघ बकरी की तरफ आया और जब बाघ ने उस बकरी को वहां पर गुफा में बैठे हुए देखा, उस बाघ के मुंह में पानी आ गया। उसे लगा, वाह, आज तो अपने आप शिकार खुद चलकर आ गया। वह बकरी की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही वह बाघ बकरी की तरफ आया तो बकरी डर गई, लेकिन थोड़ा सा ना डरते हुए बकरी बाघ से बोली, ए बाघ, तुम मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं शेर का शिकार हूँ और शेर नदी की तरफ गया है और जैसे ही वापस आएगा मुझे यहाँ ना पाकर वह तुझे खा जाएगा। अब बाघ भी शेर के नाम से डर गया और वहां से दुबक कर भाग गया। अब बकरी ने भेड़िए और बाघ को तो उल्लू बना लिया, लेकिन जिसकी यह गुफा थी उसे बकरी कैसे उल्लू बना सकती थी? अब जैसे जैसे रात हुई तो वह शेर अपनी गुफा में वापस आया।
अब जब बकरी ने दूर से शेर को आते हुए देखा, बकरी बहुत अधिक डर गई और उसे मालूम था कि मैंने भेड़िये और बाघ को तो वापस भेज दिया, लेकिन इस शेर को मैं उल्लू नहीं बना पाऊंगी। आज मेरी मौत निश्चित है। वह बकरी सहम गई और दुबक गई और जैसे ही शेर उसके करीब आया, शेर ने तेज दहाड़ लगाई। बकरी सहम कर बोली, महाराज मैं आपकी शरण में आई हूँ। इन सभी जंगली जानवरों से बचकर मैं आपकी गुफा में आई हूँ। मुझे मालूम है कि आप मेरी सुरक्षा कर सकते हैं और शरण में आए हुए जानवर को आप नहीं मार सकते। वह बकरी शेर के आगे गुहार करने लगी, मुझे मत खाओ महाराज, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब जब शेर ने बकरी की यह गुहार सुनी, शेर को बकरी पर तरस आ गया। उसने बकरी से कहा, तुम निर्भीक होकर मेरी गुफा में बैठ सकती हो, तुम्हें कोई भी जंगली जानवर नहीं खाएगा। तुम यहाँ पर आराम करो और सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। बकरी ने कहा, धन्यवाद महाराज, आज आपने मेरी रक्षा की। और शेर ने दूर से आते हुए एक हाथी को देखा तो शेर ने कहा, हाथी तुम इस बकरी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराओ। ये हमारी शरणागत है, आज हम इसे नहीं खाएंगे और कोई भी जंगली जानवर इसको हाथ नहीं लगाएगा। अब हाथी ने भी शेर की बात मान ली और बकरी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। बकरी तो राजा महाराजा की तरह हाथी की पीठ पर बैठ गई और पूरे जंगल की सैर करने लगी। और सभी जंगल के जानवर पक्षी उस बकरी को देख रहे थे, क्योंकि वह जंगल खतरनाक जानवरों से और पक्षियों से भरा हुआ था। अब किसकी हिम्मत थी उस बकरी को हाथ लगाने की, क्योंकि वह तो शेर की मेहमान थी। देखा बच्चों, कभी कभी हमारी छोटी सी चतुरता भी हमारी किस्मत बदल देती है, जिस प्रकार इस बकरी ने किया। और उसने अपनी चतुरता से उस शेर का मन जीत लिया और आज वह महारानी की तरह हाथी की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल की सैर करने लगी। और सभी जंगली जानवर उसको देख रहे थे और उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे।